आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक हो रही है, इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज की बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। आज एक बार फिर से संभवतः उन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट उस पर अपनी मुहर लगा सकती है। तो शीतकालीन सत्र से पहले हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब से तकरीबन एक घंटे के बाद शुरू होगी। इस पर कैबिनेट में कई अहम मसलों को, कई अहम मुद्दों को पर चर्चा होगी। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट अपने के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आज कैबिनेट मुहर भी लगा सकती है। और विजय राणा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। विजय, आज की अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकता है? देखिए, आज बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। जो एजेंडा आया है उसके तहत जो हरियाणा सरकार की उद्योगों की जो प्रोत्साहन नीति है उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि उद्योगों को और ज्यादा लाभ दिया जा सके। इसके अलावा जो अवकाश नीति है कर्मचारियों के लिए उसमें भी संशोधन किया जाएगा। साथ ही साथ पंचायती राज के लिए भी कई एजेंडे रखे गए हैं। पंचायती राज 1973 में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा 1994 धारा 51 और 53 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद क्या सामने निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का संशोधन किया जा रहा है और इससे जो पंचायती राज है या जो उद्योग है, उद्योग धंधे हैं, उसको लेकर क्या बदलाव किए जाते हैं, कितनी सहूलियत उन लोगों को मिल पाएगी, इन पंचायती राज के सदस्यों को या उद्योगपतियों को। इसके अलावा स्टेज कैरिज कैपेसिटी एक संशोधन यहाँ पर उसमें किया जाएगा, स्टेज कैरिज कैपेसिटी में वो देखना होगा कि किस तरह से क्या क्या संशोधन किए जाएंगे। कुल मिलाकर 7 से 8 एजेंडे जो है वो बैठक में रखे जाएंगे। किन एजेंडों पर मोहर लगती है और उनसे लोगों को क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, और कैबिनेट की बैठक की अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र से पहले बैठक हो रही है तो उसमें कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा भी कैबिनेट कर सकती है जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है या फिर सरकार को सत्र के दौरान घेर सकती है। देखिए, इसमें कई मुद्दे हैं हरियाणा में जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, चाहे वो MBBS छात्रों का मुद्दा हो जो अब तक सुलझ नहीं पाया है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, गन्ने के भाव का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा और कृषि से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो दोनों जो विभाग हैं उनके मंत्रियों से बातचीत की जा सकती है और क्योंकि विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा तो कहा जा सकता है कि तैयारी जो है, रणनीति जो है, पहले से तैयार करनी होगी। हालांकि दूसरे विभाग हैं उनको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन जो ये दो विभाग हैं कृषि का और जो ये शिक्षा का, इन दोनों विभागों को लेकर काफी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी सरकार को। जो पेंशन का मुद्दा है वो भी काफी बड़ा है तो उसको लेकर भी पूरी कोशिश विपक्ष करेगा कि सरकार को घेरा जाए। पिछले सत्रों में देखा गया है कि जब बुजुर्ग जो पेंशन थी उसको लेकर भी काफी हमला बोला था विपक्ष ने, तो अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लेकर भी सरकार को खास रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, खास जवाब तैयार करने पड़ेंगे ताकि जो सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। चलिए ठीक है, तो 11 बजे आपसे थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यही होगा कि कई मुद्दों पर तो कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी लेकिन सत्र के दौरान कई ऐसे मामले इस वक्त हैं जिनको लेकर विपक्ष चाहेगा कि सरकार को बैकफुट पर लाया जाए, तो कैबिनेट में आज उन मामलों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और विजय राणा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय के साथ
विनोद लांबा हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर भी जुड़ चुके हैं। चलिए विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सवाल विनोद से ही लीजिए कि शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक को, कैबिनेट की बैठक कभी भी हो इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन सत्र से पहले जब ये हो जाती है तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। सत्र से पहले जब बैठक होती है तो उसका जो महत्व है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है क्या? कहीं निश्चित तौर पर आपने कहा विजय, जिस तरह से महत्वपूर्ण सत्र है, विजय राणा हमारे सहयोगी लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं कि अब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी प्रदेश काफी एक्टिव हो चुका है, चाहे कैबिनेट बैठक हो या विधानसभा सत्र हो। राजनीतिक तौर पर 2024 के मिशन के तौर पर भी जो फैसले लिए जाएंगे या फिर कहें कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाएंगे, आज जिनका जिक्र आप कर रहे थे विजय, तमाम जानकारी आपने बखूबी रखी, कई एजेंडों पर चर्चा होगी, ज्यादा उद्योगों को सुविधाएं दी जाए, उद्योग प्रोत्साहन नीति में संशोधन करना है, यानी कि ज्यादा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिल सके, स्टेज कैरिज पॉलिसी में बदलाव है, हरियाणा सामान्य में सेवा अवकाश नियमों में संशोधन है, हरियाणा पंचायती राज है, कृषि उपज पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क के एक्ट में संशोधन है और नगर निगम में कोर एरिया। अब कैबिनेट में चर्चा तमाम सुधारों पर होती है विजय, लेकिन महत्वपूर्ण ये है जैसे आपने भी बखूबी बयां किया कि 26 तारीख से जो सत्र की तैयारी है, सत्र में कौन सा मुद्दा रहेगा? एमबीबीएस के मुद्दे को लेकर ये साफ मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा चुका है कि 5 साल तक कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन के साथ लगाया जा सकता है। अब कोई मंत्री क्या इस मुद्दे को कैबिनेट में उठाता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारी आई थी कि जो स्वास्थ्य विभाग अनिल विज के पास है उनकी जो रिकमेंडेशन थी, ऑन फाइल जो रिकमेंडेशन थी सूत्रों के मुताबिक, वो विचार सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर कार्यालय से अलग थे। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैबिनेट की जो एक हाई लेवल बैठक होती है, आधिकारिक एक बैठक होती है, उसमें किसी कैबिनेट मंत्री द्वारा क्या कोई ऐसा प्रस्ताव भी दिया जा सकता है जो, या सुझाव दिया जा सकता है कि जो अमूमन अभी तक का जो विचार है सरकार का उससे इतर है। सारा कुछ जो है विजय अब राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 26 सत्र का आपने जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो विपक्ष है वो भी एक्टिव है, तो जो मुद्दे विपक्ष को मिल रहे हैं मुद्दे जोरदार तरीके से उठा रहा है। कल विधायक दल की बैठक भी आप लोगों ने और तमाम दर्शकों तक हमने जानकारी पहुंचाई थी, वहां भी तमाम विधायकों की सुनी गई, उनसे कार्य में तेजी लाने की बात की गई। अब इस तरह की जो तमाम नीतियां बनती हैं उसको लेकर कैबिनेट में भी कहीं ना कहीं चर्चा होती है। तय एजेंडे के अलावा अनस्टार या कहें कि कई ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट भी कहीं ना कहीं टेबल रखे जा सकते हैं, तो महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इसे विजय कहा जा सकता है। सर एक सवाल और जानना चाहूंगा, सरकार किसानों को खुश करने के लिए सत्र में गन्ने की जो दाम है वो बढ़ा सकते हैं? देखिए गन्ना निगम जो बोर्ड है, गन्ना बोर्ड है, उस पर ही निर्भर करता है। कल साफ मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि गन्ना बोर्ड की एक बार बैठक हो जाए उसके बाद तय होगा। अभी मांग की जा रही है लेकिन इलेक्शन भी बहुत दूर नहीं है। अभी जो सूत्रों से जानकारी है कि कहीं ना कहीं इस साल अगर ये बात दबी रह जाए या कहीं कितना प्रेशर ना बन पाए तो हो सकता है कि इस साल बढ़ोतरी ना करके अगली बार डबल बढ़ोतरी के साथ चुनावी तौर पर भी इसका फायदा हो। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास है, बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, 450 की मांग की जा रही है और पहली बार ऐसा है कि जो पंजाब पड़ोसी राज्य है वहां गन्ने की खरीद जो खरीद की जो कीमत है हरियाणा से ज्यादा है, तो महत्वपूर्ण ये है कि कितना प्रेशर सरकार पर है गन्ने की जो लागत है उसके हिसाब से खरीद की जो वैल्यू बढ़ाने की, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी कैबिनेट में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, गन्ना बोर्ड है, गन्ना बोर्ड में बैठक को लेकर कृषि मंत्री करेंगे, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा ये कहीं ना कहीं तय किया जाता है। तो हाल फिलहाल में आज को गन्ने को लेकर राहत वो मिलती नजर नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, सत्र का जिक्र किया, 2024 का जिक्र किया, दो बार विधायक दल की बैठक हो चुकी है, विधायकों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि समय अब आ चुका है कि सीधे तौर पर अब जो चुनावी रण है उसका जो बिगुल है, हिमाचल के बाद हो या फिर गुजरात के चुनाव हो, 23 में कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद 24 में नंबर हरियाणा का है और हरियाणा के चुनाव से पहले भी लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, तो कोई कसर कोई राजनीतिक दल कोई सरकार छोड़ती नहीं है। महत्वपूर्ण और दबाव, एक जो महत्वपूर्ण दबाव है उसकी चर्चा होती है नहीं होती है, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हिमाचल का एक उदाहरण सामने है, कैथल की तस्वीरें आज सामने आई बड़ा, और करनाल में इस सत्र के दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया जा चुका है, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार के सामने हैं, नीतिगत फैसला लेना है और बड़े बजट के फैसले, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है उन फैसलों को लागू करना। जी
चलिए विजय, एक सवाल विनोद से लीजिए कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो विनोद ने तो बताया पूरी तरीके से कौन से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है, नीतिगत तौर पर क्या कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और कई ऐसे मामले हैं, जैसे कि अगर हम देखें एमबीबीएस छात्रों का ही मामला है, उसमें जेजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान आया है, तो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है इस पूरे मामले पर, जैसे छात्रों के मामले को लेकर अब वो संसद में भी उसकी आवाज़ आम आदमी पार्टी ने उठा दी है। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पर सहयोगी दल सरकार के साथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर थोड़ा विनोद की राय लीजिए। सर आप ये जानना चाहेंगे कि जो एमबीबीएस छात्रों का मुद्दा है आम आदमी पार्टी संसद में भी उठाया है, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, तो क्या जो सहयोगी दल है क्या वो इस मुद्दे पर सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे या उनके अलग? जेजेपी का बिल्कुल वाजिब सवाल है स्टूडियो से भी और विजय आपका भी, जो सहयोगी दल है चाहे निर्दलीय विधायकों की बात कर लें या फिर जेजेपी के विधायकों की बात कर लें, थोड़े से सॉफ्ट नजर जननायक जनता पार्टी के जो बयान अगर आप उठा के देखें तो जननायक जनता पार्टी के जो विचार थे और सॉफ्ट कहीं ना कहीं नजर आए, और जो छात्र विंग है जननायक जनता पार्टी की वो स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों में कहीं ना कहीं कई बार पार्टी लाइन से अलग चलती है, सरकार से अलग चलकर भी दिखाने की कोशिश करती है। विरोध के तौर पर कुछ इंसों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो शब्दावली देखें, जो बॉडी लैंग्वेज देखें, वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि जननायक जनता पार्टी की फिर भी विजय कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट है कि इसमें और ज्यादा रियायत। और आप जननायक जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, अगर सरकार के सूत्रों के हवाले से जो खबर थी उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो विचार थे वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से अलग थे और कहीं ना कहीं एक साल टालने वाली जानकारी भी कहीं ना कहीं लीक हुई, जो सूत्रों के हिसाब से दावा किया गया, ये कहा गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कि इसको एक साल के लिए टाल दिया जाए। तो ये सरकार में कहीं ना कहीं दो तीन चीजें हैं, लेकिन सरकार डिफेंड किस बात पे कर रही है? सरकार का अपना तर्क है और सरकार ये साफ तौर पर कहती है कि चिरायु कार्ड हो, आयुष्मान योजना हो, उनको लागू करने के बाद प्रदेश में ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत होगी, डॉक्टर्स रुकते नहीं है और प्रॉफिटेबल इस धंधे को नहीं बनाने दिया जाएगा सरकारी खर्च पे, और तमाम चीजें डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, डॉक्टर को तैयार करने पर जितना मोटा खर्च होता है उसके अनुपात में कुछ सेवा हरियाणा में प्रदेश की जनता को देना चाहिए और जनता के हित में इस फैसले को, हर सरकार का अपना रुख होता है, अपना मत होता है, तो सरकार का मत साफ है इस मामले में कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत, हरियाणा वासियों की जरूरत उनके स्वास्थ्य सेवाओं से, और जो दो योजनाओं के आयुष्मान योजना का हम जिक्र कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं चिरायु कार्ड योजना का, तो उसके बाद डॉक्टर्स की जरूरत को देखते हुए सरकार का रुख साफ है कि इससे ज्यादा रियायत नहीं दी जा सकती। तो काफी विस्तार से जी ने बताया कि चाहे वो सत्र की बात हो चाहे वो एमबीबीएस मुद्दे की बात हो, काफी विस्तार से सारी जानकारी दी। जी एक सवाल विजय विनोद से लीजिए कि कौन ऐसा ऐसा मसला है, कैबिनेट में तो कई मुद्दों को रखा जाता है जिस पर कैबिनेट चर्चा करती है, विनोद के हिसाब से कौन ऐसा मुद्दा है जिस पर आज कैबिनेट अपनी सहमति दे देगा, उस पर मुहर लगा देगा? जो तमाम मुद्दे आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे तो उनमें से कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है और उस मुद्दे पर आज की बैठक में मुहर लग जाएगी, उद्योगों को लेकर ज्यादा सुविधा देने के लिए प्रोत्साहन नीति में संशोधन है, तो इसी में संशोधन पर कोई विवाद नहीं होगा और सबको स्वीकृत होगा, तो उद्योगों को तो प्रोत्साहन देना है, रोजगार उत्पन्न करना है और उद्योगों को बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस पहले जो एजेंडा है मीटिंग का इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्टेज कैरिज पॉलिसी में भी बदलाव होगा, ये भी आराम से निकल जाएगा, हरियाणा सामान्य सेवा अवकाश नियम में संशोधन, जो छुट्टियां होती हैं सरकारी अधिकारियों की उसको लेकर संशोधन है, तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 और 53 में संशोधन, इसका विस्तार के साथ जब टेबल पर किया जाएगा इस पर चर्चा हो सकती है। कृषि उपज पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता है, कृषि उपज पर आप देखें ग्रामीण विकास शुल्क कितना लिया जाता है, उस एक्ट में संशोधन का मामला है, तो ये एक चर्चा का विषय रहेगा। नगर निगम में कोर एरिया निर्धारित करने के हरियाणा पालिका अधिनियम 1973 में, तो नगर निगम में कोर एरिया को लेकर और पावर करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा विषय नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी के साथ कैबिनेट की मीटिंग की जाती है, विषय ये नहीं है कि यहां इस मुद्दे पर मोहर लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन इन टेबल जो मुद्दे जानकारी हम लोग को पहुंची है, इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण होता है और प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो या जनता से जुड़े मुद्दे हो उसको लेकर भी क्या कोई बड़ा रुख सरकार आज देती है, कैबिनेट की मोहर लगाने का काम करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। ये जो तय एजेंडे होते हैं विजय, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्वीकृति के बाद और उनका मॉडल इस तरह से तैयार किया जाता है, उन पर विवाद नहीं है, लेकिन
लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम का और कहें कि जो जनता के जो मुद्दे हैं उनका क्या रिफ्लेक्शन, क्या प्रभाव कैबिनेट पे पड़ता है, क्या कोई लोक लुभावना फैसला या फिर कहें जनता को सीधा बेनिफिट का कोई नया फैसला कैबिनेट लेती है, बड़ी छूट को देती है, इस वजह से भी कैबिनेट की बैठकें महत्वपूर्ण हो जाया करती हैं। तो जैसा कि जी ने साफ तौर पर बताया कि जो उद्योगों का जो मुद्दा है वो मोहर लग सकती है, अवकाश का जो एजेंडा है उस पर मोहर लग सकती है, बाकी में चर्चा की। चलिए विनोद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।